आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हम सबके कंधे पर है। ये जो चुनाव है, ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है, वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है, ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़े और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीजों की व्यवस्था मिल सके, इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, हमेशा फ्री शिक्षा, फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है। तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया,